फ्टरनून टू यू ऑल शिफा मैम यूर इंग्लिश एडुकेट ऑन गाइडली आई वेलकम यू ऑल गाइज इन टूडेज आफ्टर ट्वेल्व थर्टी पी एम सेन वी आर टारगेटिंग फॉर बी आई क्लर्किल्स एग्जाम आई होप गाइजिंग गुड एंड सेफ एंड प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग एग्जाम ऑन रियली वेल राइट तो गाइज इसी के साथ सेशन को आगे बढ़ाते हैं बट बिफोर मूविंग ऑन फर्दर आई वोड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन जल्दी से सभी लोग सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा इस सभी लोग सेशन में जुड़ जाइए डू द द सेशन सेशन सो दैट वी कैन प्रोसीड फॉर टुडे ठीक है तो इसी के साथ हम लोग सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं तो आज फिर से हम एक अच्छे लेवल का आप लोगों का एस बी आई क्लर्क प्रिलिम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एग्जाम के लिए कंप्लीट मॉक लेकर आए हैं पूरे थर्टी क्वेश्चन का इंग्लिश सेक्शन का सो एवरी वन डू लाइक एंड शेयर द सेशन जल्दी से आप लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू ऑल क्लियर है आई होप कि मैं सभी को ऑडिबल और विजिबल हूँ राइट तो चलिए इसी के साथ सेशन को आगे बढ़ाते हैं अब देखो ये आपको एक क्लोज टेस्ट दिया हुआ है ठीक है तो हम इसको लास्ट में करेंगे क्लोज टेस्ट पहले देखेंगे कि और कौन कौन से वन टू लाइनर क्वेश्चन दिए हुए हैं अब देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन तो यहाँ पे अच्छा ये आपका आर पे बेस्ड है दिस इज फ्रॉम आर ओनली ये पैरा जम्बल्स है आर एंड पैरा जम्बल्स को हम लास्ट में करेंगे अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन करेक्टली सो रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल तो आपको सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए वर्ड्स को क्या करना है रीअरेंज करना है क्लियर बात समझ आ रही है चलिए देखते हैं लेट सी द क्वेश्चन सो गाइज दीज आर द द्वेश्चन ऑफ वर्ड्स स्वेप ये आपके वर्ड्स स्वैप के क्वेश्चन है दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन अब इसमें वर्ड कौन कौन से दिए हुए हैं कौन कौन से पहला वर्ड दिया, 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 दिया हुआ है आपको पार्टिसिपेट दूसरा वर्ड दिया हुआ है स्टेट ओन्ड तीसरा वर्ड दिया हुआ है ऑफर और चौथा वर्ड दिया हुआ है आपको सब्सक्रिप्शन ठीक है सो गाइज लेट मी नो द करेक्ट आंसर जल्दी से इसको पढ़कर बताएं कि क्या इसका परफेक्ट आंसर हो सकता है ठीक है क्या इसका करेक्ट आंसर आपका स्वैपिंग बन सकती है एल आई सी पब्लिक पार्टिसिपेट विल रिमेन कोई मतलब ही नहीं है इसका चीनी वेरी गुड आफ्टरनून भाई सब लोग को जल्दी से, से सेशन में जुड़ जाइए डू द सेशन फास्ट चलिए देखते हैं सावन सोलंकी वेरी गुड आफ्टरनून चलिए देखते हैं क्या कह रहा है अब देखो क्वेश्चन कह रहा है एल आई सी पब्लिक पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट तो गलत चेंस दे रहा है ना एल आई सी पब्लिक पब्लिक के साथ क्या जुड़ेगा यहाँ पे एल आई सी पब्लिक क्या चीज की बात कर रहा है पब्लिक ऑफर विल रिमेन ओपन राइट एल आई सी के लिए जो पब्लिक ऑफर है वो ओपन रहेगा कब तक फॉर स्टेट ओन्ड क्या स्टेट ओन्ड यहां पे सही है नहीं तो यहां पे होगा फॉर सब्सक्रिप्शन के लिए ठीक है तो पार्टिसिपेट गलत है पार्टिसिपेट Part यहां पे आ जाएगा ठीक है पार्टीपेट और यहां पे क्या आएगा यहां पे ऑफर आ जाएगा ठीक है स्टेट ओन्ड यहां पे आएगा स्टेट ओन्ड और यहां पे क्या आ जाएगा सब्सक्रिप्शन ठीक तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट बनेगा एल पब्लिक ऑफर विल रिमेन ओपन एल आई सी पब्लिक ऑफर जो है ये खुला रहेगा कब तक किसके लिए फॉर सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन के लिए एल पब्लिक ऑफर जो है वो खुला रहेगा ठीक है इवन ऑन वीकेंड वीकेंड पर भी खुला रहेगा ताकि हम इनेबल कर सके लोगों को टू इनेबल पीपल टू पार्टिसिपेट ताकि लोग क्या कर सके पार्टिसिपेट कर सके इन द मेगा मेगा आईपीओ आईपीओ ऑफ द स्टेट स्टेट ओन्ड ओन्ड ठीक है के ऑफर में लोग पार्टिसिपेट कर पाए तो यहाँ पे अकुल मिलाकर स्वैपिंग जो होगी वो एसी में होगी और बी डी में होगी क्लियर बात समझ आ रही है सो द करेक्ट आंसर वुड बी सेकेंड ऑप्शन दैट इज ए सी एंड बी डी बात समझ आ गई कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को अगला क्वेश्चन देखें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है अर्लियर इन द द द डे फिल्म मेकर पोस्टेड अ वेयर ही शो एक्स एंडिंग आफ्टर सिक्स बट इट टर्न आउट टू बी अ क्लेम्ड टू ग्रैप स्टेटमेंट तो क्या बन सकता है वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन यहाँ पे पहला कह रहा है आई बॉल्स पहला वर्ड है आई बॉल्स दूसरा वर्ड है प्लॉय तीसरा वर्ड है यहाँ पे क्लेम्ड और चौथा वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज स्टेटमेंट तो फिर क्या करेक्ट सेंस बनेगा गाइस जल्दी से इसको देखकर बताएं आप देखो यहाँ पे पोस्टेड क्या पोस्ट किया है एक स्टेटमेंट को पोस्ट किया है ना तो पोस्टेड ए स्टेटमेंट यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा ना स्टेटमेंट पोस्टेड ए स्टेटमेंट earlier in the day ठीक है डे के अर्लियर में जो फिल्म मेकर है उसने क्या किया था उसने एक स्टेटमेंट को पोस्ट किया था जहां पे वो क्या कर सकता है वेयर ही प्लोय वेयर ही प्लोय का सेंस गलत है यहां पे क्या आ जाएगा यहां पे आई बॉल्स हो जाएगा ठीक है वेयर ही क्लेम्ड ही क्लेम्ड हो जाएगा जहां पे उसने क्लेम किया था क्या क्लेम किया था वेर ही क्लेम द शो वॉज एंडिंग कि शो जो है वो खत्म हो, हो रहा है इस बात को क्लेम किया था आफ्टर सिक्स सीजन छह सीजन के बाद शो खत्म हो रहा है बट लेकिन इट टर्न आउट टू बी अ इट टर्न आउट टू बी अ प्लॉय ये एक प्लॉय प्लॉय मतलब एक मौका है कि हम आई बॉल्स को क्या कर सकते हैं ग्रैब कर सकते हैं ठीक बात समझ आई सो हियर द परफेक्ट स्वैपिंग वुड बी पे स्वैपिंग आपकी ए डी में होगी और दूसरी स्वैपिंग आपकी बी सी में होगी बात समझ आ रही है तो इट मीन्स ऑप्शन थर्ड ए डी बी सी इज मेकिंग द बेस्ट आंसर चॉइस ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली क्लियर है अगला क्वेश्चन देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है क्लाइमेट चेंज विल रिजल्ट इन जंपिंग ऑफ न्यू वायरसेस स्प्रेड अमंग एनिमल था एनिम टू ह्यूम अब यहाँ पे कौन कौन से वर्ड दिए गए देखिये पहला वर्ड दिया हुआ है आपको जम्पिंग दूसरा वर्ड आपको दिया हुआ है रिस्क तीसरा वर्ड यहाँ पे आपको दिया हुआ है स्पेशीज चौथा वर्ड आपको दिया हुआ है थाउजेंड तो क्या इसका करेक्ट सेंस बन सकता है जल्दी से इसको देख कर बताए अब देखो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज विल रिजल्ट इन थाउजेंड्स ऑफ न्यू वायरसेस होगा ना क्लाइमेट चेंज जो है वो रिजल्ट कर रहा है थाउजेंड्स ऑफ वायरस की बात कर रहा है इन थाउजेंड्स तो यहाँ पे थाउजेंड्स हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे जंपिंग हो जाएगा बात समझ आ गई तो अब यहाँ पे और कह रहा है इंक्रीज द स्पेशज ऑफ इंक्रीज द रिस्क होगा ना कि स्पेशीज होगा इंक्रीज द रिस्क ऑफ और रिस्क की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा एनिमल स्पेशीज जानवरों की जो प्रजातियां हैं तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या बनेगा क्लाइमेट चेंज विल रिजल्ट रिजल्ट इन थाउजेंड्स ऑफ न्यू वायरसेस स्प्रेड अमंग एनिमल स्पेशीज बाय 2070 एंड दैट इज लाइकली टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ एमरजिंग इंफेक्शियस डिजीजेस ठीक है जंपिंग फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन जो डिजीजेस क्या कर रही है ह्यूमन से आदमियों से एनिमल से ह्यूमन में क्रॉस हो रही है जंप कर रही है ठीक है तो गाइज द करेक्ट स्टेटमेंट शुड बी ए डी यहाँ पे भी देखो ए डी की स्वैपिंग है और बी सी की स्वैपिंग है क्लियर बात समझ आ रही है इस यहां पे रिस्क रिस्क ऑफ ऑफ होगा इमर्जिंग डिजीज और एनिमल के साथ क्या लगेगा स्पेशीज लगेगा ठीक तो ए डी एंड बी सी इज मेकिंग फर्स्ट ऑप्शन इज मेकिंग द बेस्ट आंसर चॉइस ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली क्लियर है अगला क्वेश्चन देखें चलिए इसमें बताइए गाइज क्या करेक्ट आंसर बन सकता है वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन यहाँ पे कौन कौन से वर्ड दिए पहला वर्ड देखो यहाँ पे कह रहा है प्रेशर दूसरा वर्ड यहाँ पे देखो कह रहा है इंजन तीसरा वर्ड यहाँ पेरियंट चौथाउ नेशर आइडियल विद प्रेशर आइडियल क्या यहाँ पे करेक्ट है नहीं विद इंजन आइडियल स्टार्ट एंड स्टॉप होगा ना विद इंजन इंजन की बात कर रहा है यहाँ पे विद इंजन आइडियल आइडियल स्टार्ट एंड स्टॉप एंड ट्रेशर और टायर का जो क्या है प्रेशर है टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम एज स्टैंडर्ड जैसे कि क्या है स्टैंडर्ड इक्विपमेंट होगा ना यहाँ पे स्टैंडर्ड एज स्टैंडर्ड इक्विपमेंट ऑन ऑल ऑन ऑल क्या ऑन ऑल इन ऑन ऑल किस चीज की बात कर रहे हैं ऑन ऑल वेरियंट ना सारे वेरियंट्स पर ठीक है

बात समझ आ रही है कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को चलिए अगला क्वेश्चन देखिए गाइस लेट अस मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है दिस इज द नेक्स्ट वन कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड हैज बीन यूज्ड इन फोर डिफरेंट सेंटेंसेस चूज द सेंटेंस इन व्हिच द यूसेज ऑफ द वर्ड इज ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली करेक्ट अब आपको वो वर्ड यूसेज बताना है तो गाइज दीज आर द क्वेश्चन ऑफ वर्ड यूसेज ये क्वेश्चन आपके वर्ड यूसेज के हैं ठीक है अब बताना है कहां पे कौन सा सेंस करेक्ट होगा डोबेटेल डोबेटेल किस स्टेटमेंट में करेक्टली यूज हुआ है ये आपको बताना है चलिए डोबेल तो का मतलब होता है किसी चीज को ज्वाइन करना ठीक है या फिर टू फिट टूगेदर एक साथ चीजों को फिट करना या फिर जोड़ना ज्वाइन करना बात समझ आ रही है अब देखो पहला क्या कह रहा है पार्ट ऑफ योर एसे शुड डोवेटेल एसे का जो पार्ट है वो एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए ताकि सो दैट इट इज कोहेसिव एंड दहेरेंट ताकि सारे पार्ट जो हों वो एक दूसरे से जुड़े हुए हो और एक दूसरे से कोहेरेंट हो सिमिलैरिटी हो सब में ये वाला करेक्ट है अगला देखो क्या कह रहा है मेनी स्पेशीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना गई क्या मतलब है कोई मतलब नहीं है ठीक है तो एक्सटिंग हो गई है ना हाफ बिकम एक्सटिंग होना चाहिए था एक्सटिंग मतलब अगला कह रहा है क्या करेंगे डोबिटेल करेंगे विद्री मार्ग इन साइड इट्स पैकेट मतलब इसको एक साथ जोड़ेंगे ठीक है टू ज्वाइन तो ज्वाइन करने का सेंस यहाँ पे आ रहा है तो कह रहा है आर फैक्ट्री प्रॉफिट विल इंक्रीज हमारा फैक्ट्री प्रॉफिट बढ़ेगा If we do the drink, अगर हम हेल्थ ड्रिंक को जोड़ेंगे फ्री मतलब, जो तो मग डाल देंगे, डाल देंगे उसके में, तो इससे क्या होगा इससे जो फैक्ट्री को प्रॉफिट होगा कि लोग ज्यादा खरीदेंगे थर्ड भी करेक्ट है तो फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है इट मीन द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड सी बात समझ आ गई क्लियर हुआ कोई दिक्कत कोई परेशानी चलिए अगला क्वेश्चन देखिए गाइज नेक्स्ट वर्ड है आपका डेम्योर क्लियर दीज आर द स्टेटमेंट डेम्योर का मतलब क्या होता है डेम्योर का मतलब होता है शाय मॉडेस्ट रिजर्व एंड क्वाइट क्लियर अब क्या करेक्शंस यहां पर बनेगा जल्दी से देखकर बताएं अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है अगर आप ध्यान से पढ़ो तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है लेट सी द क्वेश्चन रिप्लाई क्यों नहीं कर रही किसी का क्या भाई क्या क्या प्रॉब्लम हो गई अर्पित शुक्ला समझ आ रही है बात चलिए तो अब देखो यहां पे डेम्योर का सेंस समझ आ रहा है अच्छा फोर्थ होगा अच्छा ए और ई e वाला बनेगा ठीक है चलिए देखते हैं पहले वाले में देखो क्या कह रहा है डेम्योर का मतलब होता है शर्मीला मतलब बहुत शाई फील करना रिजर्व होना बिल्कुल चुपचाप रहना तो पहले वाले में कह रहा है आर न्यू नेबर्स हैज अ डेम्योर यंग बॉय हमारे जो नए पड़ोसी आए हैं उनके पास एक बच्चा है जो कि बहुत शर्मीला है शाई नेचर का है बहुत ज्यादा क्वाइट रहता है रिजर्व रहता है तो सही है हु रन अवे इफ एनी वन कॉल्स हिम जो कि भाग जाता है वो बच्चा जब कोई उसको बुलाता है तो वो बच्चा शाई है बिल्कुल सही है अगला चेक करिए सेकेंड वाला द गवर्नमेंट हैड देम टू डेम्योर देयर इकोनॉमिक पॉलिसी सरकार ने उनको पूछा है कि वो इकोनॉमिक पॉलिसी को रिजर्व करें क्वाइट करें तो यहाँ पे सरकार के लिए डेम्योर वर्ड तो गलत सेंस में यूज हुआ है अगला कह रहे हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट ये बहुत मुश्किल है टू हायर अ टैक्सी कि हम टैक्सी हायर करें बिकॉज ऑफ डेम्योर चार्जेस क्योंकि जो टैक्सी के जो चार्जेस है वो क्या है वो रिजर्व है ठीक है क्या यहाँ पे करेक्शन दे रहा है टैक्सी के चार्जेस जो है वो रिजर्व है क्या मतलब है कोई मतलब नहीं है अगला कह रहा है अ कॉन्फिडेंट पर्सन वुड नेवर बी डेम्योर एक जो कॉन्फिडेंट इंसान होता है वो कभी भी शाई नहीं हो सकता है वो कभी भी रिजर्व या फिर वो कभी भी क्वाइट नहीं हो सकता है ठीक है तो कॉन्फिडेंट पर्सन वुड शाय टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अदर्स दूसरों के सामने बोलने में वो कभी शर्मा नहीं सकता है करेक्ट है तो फिर आंसर क्या बनेगा बोथ ए एंड ई ठीक है बात समझ आ गई क्लियर हुआ अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट वर्ड आप लोग को यहां पे दिया हुआ है दैट इज एम्बेलिश एम्बेलिश का मतलब होता है किसी को क्या करना किसी चीज को डेकोर decor करना डेकोरेट करना या फिर आप कह सकते हो एडोर्न करना ठीक है तो एम्बेलिश का मतलब होता है डेकोर करना या एडोर्न करना अब देखिए क्या हो सकता है पहले वाले में क्या कह रहा है अ मैन केम इन हरीडली केम इन हरीडली गलत है केम इन हैव एन एम्बेलिश कॉल फ्रॉम टाउन एम्बेलिश कॉल इमरजेंसी कॉल हो सकता है एम्बेलिश कॉल का तो कोई मतलब ही नहीं है

कि जो अगर आप मेरे क्लास में रेगुलर आएंगे तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा आप सभी बच्चों को और हम जो डेली क्वेश्चन करा रहे हैं चाहे प्री का करा रहे हैं चाहे मेंस का करा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन बिल्कुल है समझ आया आप चलो तो सेकेंड वाला करेक्ट है अगला ट्रेंड जो है वो क्या कर रहा है अपने अराइवल पे एम्बेज कर रहा है तो डेकोर का तो कोई मतलब नहीं है

गस्टो का यहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं है ही वॉज गस्टो बाई द क्लासमेट क्या मतलब है कोई मतलब नहीं है छी वीयर्स गस्टो क्लोथ फॉर द पार्टी गस्टो क्लोथ मतलब इंजॉयमेंट क्लोथ पहनती कोई मतलब नहीं है प्लीज राइट द गस्टो ऑफ द पैराग्राफ इन नॉट मोर देन तो प्लीज राइट द गस्टो नहीं समरी होना चाहिए यहाँ पे पैराग्राफ की समरी को लिखे ठीक है बात समझ आ रही है तो गस्टो का कोई मतलब नहीं है

के साथ फेस्टिवल मनाया गया है तो आपको करेक्ट रिप्लेसमेंट बताना है तो गाइज आर द क्वेश्चन ऑफ फ्रेज रिप्लेसमेंट लेटेस्ट लुक एट द्वेश्चन फॉर फ्रेज रिप्लेसमेंट अब यहां पर बताए अब देखो क्या फ्रेज दी हुई है ऑल्सो हैव बीन प्रोवाइडिंग डेटा बाय सोशियो इकोनॉमिक ये फ्रेज है आपकी अब आप किस चीज से रिप्लेस होगा ये आपको फर्स्ट द नेशनल प्रोवाइड करती है ना कि प्रोवाइड ना कि प्रोवाइड कर रही थी तो हो नहीं सकता है प्रेजेंट की बात कर रहा है प्रोवाइडिंग होगा नहीं डेटा हैज बीन प्रोवाइडेड होगा नहीं ऑल्सो प्रोवाइड प्रोवाइड करती है ठीक है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा बैकग्राउंड कैरेक्टरिस्टिक सोशियो इकोनॉमिक और दूसरे बैकग्राउंड कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू क्या करती है नेशनल रिपोर्ट हमें डेटा प्रोवाइड करती है जो कि यूजफुल होता है किसके लिए यूजफुल फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इफेक्टिव प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो कि हमारी पॉलिसी के फॉर्मुलेशन और हमारे प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में इफेक्टिव होता है बात समझ आ गई सो गाइज द आंसर वुड बी फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है अगला क्वेश्चन देखें चलिए अब इसमें बताइए क्या करेक्शंस बनेगा यहाँ पर प्रेस दी हुई है अकॉर्डिंगली टू अ रिपोर्ट फॉर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपॉन थर्सडे आपकी एक फ्रेज है आप क्या करेक्ट आंसर हो सकता है और इनडलीबल टू कोविड नाइनटीन इन इंडिया इन टू थाउजेंड ट्वेंटी एंड टू थाउजेंड ट्वेंटी अकॉर्डिंग होना चाहिए ना अकॉर्डिंगली तो एडवर्ब है तो एडवर्ब तो यहां पर यूज होगा नहीं क्योंकि एबजेक्टिव सेंस आएगा ना अकॉर्डिंग सार तो अकॉर्डिंग होगा वर्ब फॉर्म ना कि अकॉर्डिंगली होगा तो अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली हो नहीं सकता अब थर्ड या फोर्थ में से कुछ आंसर बनेगा अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिपोर्ट बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मेंशनिंग मेंशनिंग जो कि मेंशन रही थी थर्सडे uh, या फिर अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन थर्सडे तो uh, यहाँ पे मेंशनिंग थर्सडे नहीं होगा मेंशनिंग थर्सडे गलत है जो कि थर्सडे को आई है ना डेज के साथ तो ऑन लगता है ना ऑन ऑन मंडे ट्यूसडे तो डेज के साथ ऑन लगता है तो फोर्थ वाला करेक्ट होगा तो स्टेटमेंट क्या बनेगा करेक्ट देयर वर लाइकली 4.7 मिलियन डेथ्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डायरेक्टली इनडायरेक्टली 4.7 मिलियन डेथ हुई है ठीक है जो की कोविड नाइन दो हजार बीस और दो हजार इक्कीस में आगे कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट एक रिपोर्ट के अनुसार किसके द्वारा रिपोर्ट आई है रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ऑन थर्सडे ठीक है थर्सडे को ये चीज सामने आई है अप ऑन गलत है ऑन दे, लगता है क्लियर है, है अगला ऑपरेटिंग ड्रग ऑर्डर कंट्रोल ब्यूरो जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है एनसीज ये क्या कर रही है इज लाइकली टू अरेस्ट अटी बेस्ड बिजनेसमैन ये एक सिटी बेस्ड बिजनेसमैन को अरेस्ट करने की कोशिश कर रही है और फैमिली और उनके फैमिली मेंबर में से दो लोगों को अरेस्ट करने की कोशिश कर रही है ऑन एलिग्ड ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग देखो यहाँ पे वर्ब है किस तरह से ऑपरेट करने की बात कर रहा है एलिगडली होगा ना यहाँ पे एलिगली ऑपरेटिंग होगा ठीक है तो मेंबर्स ऑन नहीं होगा फॉर होगा यहाँ पे फॉर एलिगली ऑपरेटिंग ठीक है बाई एलिग्ड होगा नहीं अपॉन एलिग्ड होगा नहीं बिहाइंड एलिग बिहाइंड का मतलब के पीछे का सेंस होता है कोई मतलब नहीं है तो यहाँ पे फॉर के लिए किसके लिए कर रही है एलिगडली मतलब एलिग्ड लेवल के लिए ऑपरेट करे कॉल सेंटर जहां पे ड्रग ऑर्डर्स को एक्सेप्ट किया जा रहा है ठीक है तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीज इज लाइकली टू अरेस्ट अ सिटी बेस्ड बिजनेसमैन एंड टू ऑफिस फैमिली मेंबर्स दो फैमिली मेंबर को अरेस्ट करे रीजन बता रहा है तो रीजन डिफाइन करने के लिए फॉर लगता है फॉर एलिगली ऑपरेटिंग अ कॉल सेंटर टू एक्सेप्ट ड्रग ऑर्डर्स तो दैट इज वाई ऑप्शन सेकेंड इज द बेस्ट आंसर चॉइस ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली क्लियर है अगला क्वेश्चन देखिए इसको बताइए गाइज इसमें क्या करेक्ट आंसर बन सकता है अब यहाँ पे आपको जो फ्रेज दी हुई है दैट इज फॉर प्रोडिक्शन सी रेज अक्रॉस द कॉस्ट ठीक है तो अब इसमें क्या आंसर बनेगा यहां दीज आर द फ्रेजेस हेलो 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 आई होप ग ऑप्शन टू ओके देखते हैं क्या हो सकता है तो आप कह रहा है इनक्वाइज द इनक्वाइज की बात कर रहा है इनक्वाइज टू यूटिलाइज मैपिंग मैपिंग एलिवेशन डेटा फ्रॉम इसरोस्ट गलत है

फॉर के बाद हमेशा क्या आता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है तो फॉर प्रिडिक्टिंग तो में लगता है बात समझ आ गई तो फॉर प्रिडिक्टिंग होगा प्रिडिक्ट करने के लिए ठीक है फॉर प्रिडिक्शन नहीं होगा फॉर के साथ नाउन नहीं लगता है फॉर के साथ वर्ब फॉर्म लगती है साइलेंस मे नॉट एग्जिस्ट फॉर मच लॉन्गर क्या बन सकता है यहाँ पे कनेक्शन इश्यूज हाँ थोड़ा सा कनेक्शन ईशू तो है गाइज uh, मेरा नेटवर्क थोड़ा सा वीक चल रहा है इधर माय नेटवर्क इज अ लिटिल वीक दीज डेज ठीक है अभी क्लियर है अभी क्लियर दिख रहा है यहाँ पे वॉट द इशू इज गाइज क्या इशू हो रहा है क्या प्रॉब्लम आ रही है थैंक यू फॉर यूर कंसर्न गाइज इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है अब देखो क्या कह रहा है साउंड इज चेंज कनेक्शन इशूज भाई कनेक्शन इशूज के लिए देते हैं अभी वाई फाई थोड़ा स्लो चल रहा है शायद से क्लियर आ रहा है हेलो अच्छा अभी सही है ठीक है हाँ बफरिंग हो रही है गाइस तो या आई नो बट आई कान डू एनी थिंग बिकॉज आई थिंक माई नेटवर्क इज अ बिट वीक दीज डेज ठीक है सो गाइज आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज कॉपरेट मी कॉपरेट विद मी जी लगवा लें अच्छा अभी क्लियर है चलो चलो देखते हैं ये अच्छा क्वेश्चन कर लो सेशन एंड कर देते हैं ठीक है से, सेशन एंड इवनिंग वाला तो कल सही चला था ना क्लास कल इवनिंग वाला सही चला था ये आफ्टरनून वाले सेशन में ही दिक्कत आ रही है इवनिंग वाला तो सही चलता है कल रात आठ बजे वाला तो सही चल रहा था प्रॉपर चल रहा था अभी ये आफ्टरनून वाले में पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है ठीक है अब अच्छा अब चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है साउंड इज चेंज ड्रामेटिकली सिंस एवरीडे एंड गोइंग बाई आर रिसर्च चुरल साइलेंस मेंॉट एग्जिस्ट फॉर मच लॉन्गर नेचुरल साइलेंस जो है वो लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं कर सकता है साउंड इज इज चेंज गलत है चेंजिंग हो जाएगा साउंड बदल रहा है ड्रामेटिकली एवरी डे हर दिन बदल रहा है कुड भी चेंजिंग हो नहीं सकता है वॉस चेंज हो नहीं सकता है Has been changing नहीं. तो फर्स्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे करेक्ट सेंस ठीक है चेंज हो रहा है साउंड इज चेंजिंग साउंड चेंज हो रहा है एवरी डे ड्रामेटिकली सिंस गलत है एंड गोइंग रिसर्च और अगर हम अपनी रिसर्च को देखें नेचुरल साइलेंस में नॉट एग्जिस्ट मच लॉन्गर नेचुरल साइलेंस जो है वो लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं करता है क्लियर हो गई बात समझ आ गई तो गाइज अगर ये नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है तो हम यहाँ पे क्लास एंड कर दें अगर आप लोग अग्री कर रहे हैं तो ठीक है बोलिए शुड आई स्टॉप दिस मोर ऑफ द कनेक्शन इशूज अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है इन द क्वेश्चन आगे इन द ब्लैंक एंड फॉर्म अ मीनिंगफुल करेक्ट चूज ऑप्शन ई अगर इसमें से कोई करेक्ट नहीं है तो ऑप्शन e चूज करना है क्या कह रहा है क्वेश्चन अ डिक्टेटर इज अ रूलर हु हैज डैश अथॉरिटीज अनरिस्ट्रिक्टेड अथॉरिटी चैरी एक अथॉरिटी बैफल कोबर्ट किस तरह की अथॉरिटी की बात कर रहा है हैज हैज अब देखो लगा है तो हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा ना तो चैरी होगा नहीं बैफल होगा नहीं कोबर्ट होगा नहीं ना? तो फिर आंसर फर्स्ट ही बनेगा ठीक है तब कोई रोक नहीं सकता है इस तरह की अथॉरिटी उसके पास होती है समझ आ रही है बात तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्शन देगा अनरेस्ट्रिक्टेड अथॉरिटी इन ओवर विद इन हिज जो भी उनके जूरिस्डिक्शन में होता है तो फर्स्ट ऑप्शन है अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है का मतलब क्या होता है अवेयर होना कॉन्शियस का मतलब होता है अवेयर होना ठीक है डिस्पाइस का मतलब क्या होता है वॉट इज द वर्ड डिस्पाइस मीन डिस्पाइस का मतलब होता है स्कॉर्ड ठीक है मतलब होता है अन स्टेबल इपोक इपोक का मतलब क्या होता है पीरियड ऑफ टाइम क्लियर इनॉर्मिटी इनॉर्मिटी का मतलब क्या होता है बहुत ज्यादा विकनेस हो ग्रेट अकवर्डीजन शुड बी डॉन्टलेस एक अच्छे नागरिक को बोल्ड होना चाहिए नहीं अवेयर होना चाहिए जागरूक होना चाहिए डिस्पाइज मतलब होना चाहिए नहीं फिकल अनस्टेबल भी नहीं होना चाहिए बल्कि कॉन्शियस होना चाहिए ना तो अकवर्ड सिटीजन जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है लाभदायक है टू द पीपल ऑफ द स्टेट स्टेट के लोगों के लिए एंड अकॉर्डिंगली कास्ट वोट और उसके अकॉर्डिंग उनको वोट देने की आंसर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अनवेस्ड का मतलब क्या होता है अनएम्प्लॉयड ठीक है लाइबिलिटी का मतलब होता है हिंड्रेंस फिक्शियस का मतलब होता है इमेजिनरी प्रे का मतलब क्या होता है कॉन्टेस्ट का मतलब क्या होता है जिनके पास सुटेबल जॉब नहीं है ट्रेंड मतलब बहुत ट्रेंड बंदे तो हैं, लेकिन बिना किसी सुटेबल जॉब के ये फॉर्म करते हैं अ पार्ट ऑफ अ पार्ट ऑफ किस चीज के पार्ट की बात कर रहा है पार्ट ऑफ लाइबिलिटी ये एक लाइबिलिटी है इकोनॉमिक कंडीशन पर एक हिंड्रेंस है रुकावट है एंड डेवलपमेंट प्रोग्रेस ऑफ द लैंड ठीक है और जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है लैंड का तो उसपे क्या है उसपे एक ये हिंड्रेंस है एक लाइबिलिटी है तो दैट इज वाई ऑप्शन थर्ड इज मेकिंग द बेस्ट आंसर चुआइ ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली क्लियर है अगला क्वेश्चन देखिए इसको बताइए इसमें क्या करेक्ट आंसर हो सकता है द डिफरेंट सम डिस्क एट टाइम्स विद एजेंडा लाइक ट्रेड हमड्रम ग्रास इग्नोबल एक्सपेंशन क्या करेक्शन हो सकता है जल्दी से देखकर बताएं इसको एक्सपेंशन का मतलब तो होता है साइज में इंक्रीज करना लिबरलाइजेशन Lib, uh, का मतलब होता है जेनेरिस अब यहां पर वर्ड दिया हुआ देखो हमड्रम हमड्रम का मतलब होता है डल क्लियर ग्रैक्टिस का मतलब क्या होता है फ्री ठीक है ग्रैस्प का मतलब होता है कोई चीज समझना अंडरस्टैंड हैम्पर हैम्पर का मतलब क्या होता है ऑब्स्ट्रक्ट इग्नोबल इग्नोबल का मतलब क्या होता है अनवर्दी imbued imbued का मतलब क्या होता है filled with किसी चीज से भरे होना तो अब क्या करेक्शंस बन सकता है यहाँ पे अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए द डिफरेंट समिट्स डिसकस्ड एट टाइम जो डिफरेंट समिट के बारे में टाइम में डिस्कस किया गया है ठीक है एट टाइम्स विद एजेंडा जिसमें के एजेंडाज हैं के साथ एजेंडा के साथ जो डिस्कस किया गया लाइक ट्रेड ट्रेड किस चीज की बात कर रहा है ट्रेड एक्सपेंशन ना ट्रेड का हाँ, हाँ, डल भी नहीं होगा ग्रास भी नहीं होगा इग्नोबल भी नहीं होगा ट्रेड के एक्सपेंशन की बात हो रही है ट्रेड एक्सपेंशन एंड लिबरलाइजेशन और ट्रेड का लिबरलाइजेशन है एंड सिमिलर अदर मैटर्स और बाकी इसी तरह के सेम मैटर्स बट विदाउट मच प्रोग्रेस लेकिन बिना बहुत प्रोग्रेस के पार्टिकल प्रैक्टिकल फील्ड में बात समझ आ गई तो गाइज दैट इज वाई ऑप्शन फोर्थ इज मेकिंग द बेस्ट आंसर चॉइस ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या हो सकता है करेक्ट आंसर जल्दी से इसको देखकर बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इसके बाद हम लोग अपना बचा हुआ आरसी और पैराजल करेंगे ठीक है चलिए रूटवर्ड सेशन रखिए अच्छा ठीक है रूटवर्ड सेशन ठीक है हम रूटवर्ड्स का सेशन भी लेकर आएंगे ठीक है ओके okay. जेडेड हाँ जेडेड का मतलब आप कह सकते हो बोरिंग एक्जैक्टली exactly. फोर्थ होगा थर्ड होगा अच्छा चलिए देखते हैं लेट सी अब देखो एंडीवर्स का मतलब क्या होता है एंडीवर का मतलब होता है वेंचर मतलब या फिर आप कह सकते हो एम या फिर आप इसको कह सकते हो अटेम्प्ट ठीक क्लियर बात समझ आ रही है पिती पिती का मतलब क्या होता है क्रिस्प शॉर्ट जॉट, जॉट, कॉम्पैक्ट, का मतलब क्या होता है जोवियल का मतलब तो हैप्पी होता है जोवियल का मतलब होता है हैप्पी, ठीक है? इम्बाइब का मतलब क्या होता है टेक इन आइडियाज आइडियाज को अपने अंदर लेना टेक इन आइडियाज ठीक है बात समझ आ रहा है इनएप्ट इनएप्ट का मतलब क्या होता है अनसूटेबल कोई चीज जो कि क्या हो सूटेबल ना हो दैट इज अन सूटेबल एक्सम एक्सम का मतलब क्या होता है टेडियस जॉट जॉट का मतलब क्या होता है बहुत तेज तेज लिखना राइट हरीडली ठीक है जेडेड का मतलब क्या होता है जेडेड का मतलब होता है tired होना थके होना बहुत ज्यादा ठीक है क्लियर होगा, बात समझ आ गई तो फिर क्या करेक्शंस हो सकता है द करेक्ट आंसर व्हाट शुड बी इट देखते हैं रस्किन बॉंड्स न्यू बुक रस्किन बॉंड की जो नई किताब है वो टेम्पलेट्स में फिट बैठती है fits into the templates of his earlier literary earlier literary jovial होगा नहीं inept होगा नहीं jott jott का मतलब tired कोई मतलब नहीं है हरीडली, बहुत तेजी से लिखना कोई मतलब इनमें से कोई वर्ड नहीं होगा क्योंकि अर्लियर लिटरेरी क्या है जोवियल इनपॉट है, है एंडीवर्स है कोई सेंस नहीं दे रहा है उनके ऑब्जर्वेशन जो थे वो डैश थे कैसे ऑब्जर्वेशन थे इम्बाइब ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकता एक्सम थे मतलब टेडियस थे हो नहीं सकता Jaded मतलब टायर्ड ऑब्जर्वेशन हो नहीं सकता और पिथी मतलब short, छोटे या कॉम्पैक्ट ऑब्जर्वेशन या थे ये शायद से हो सकता है लेकिन फिट बैठती है उनकी अर्लियर एंडीवर की ए, ए, मतलब लिटरेरी एम कॉन्टेम की बात कर रहे तो क्या ये सेंस होगा नहीं कोई करेक्ट सेंस नहीं दे रहा तो इसका मतलब आंसर क्या बनेगा नन ऑफ दीज इज मेकिंग द बेस्ट आंसर चॉइस ठीक है तो वो एक फेमस राइटर थे और उन्होंने एक और बुक एड की थी अपने लिटरेरी अर्ली अर्लियर टेम्पलेट्स ऑफ इज अर्लियर लिटरेरी कलेक्शन होना चाहिए यहाँ पे एक लिटरेरी कलेक्शन में उन्होंने अपनी एक और किताब एड की बात समझ आ रही है ठीक है जिसको उन्होंने क्या किया था स्टार्ट किया था काफी सालों पहले ठीक है तो ये एक उ, इस तरह से कि उन्होंने एक दूसरा गोल अचीव किया जिसको हम एंडीवर वर्ड से एक्सप्रेस कर सकते हैं क्लियर और दूसरा जो कह रहा है आपका वर्ड आगे देखो क्या कह रहा है आगे कह रहा है नेक्स्ट यहाँ पे एक मिनट एक मिनट एक मिनट वही मैं कहूँ कुछ गड़बड़ है एक मिनट एक मिनट नन ऑफ दी दीज नहीं होगा एक मिनट एक मिनट हाँ एंडीव आएगा आपका देखो एंडीवर्स होगा बिल्कुल रस्किन बॉन्ड एक मिनट Just a minute. Hmm. क्या कह क्वेश्चन ध्यान से समझो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है ध्यान से अगर आप देखे तो रस्किन न्यू बुक फिट्स इन टू दर् लिटरेरी लिटरेरी एंड उनकी पहले जो की जो लिटरेरी मेहनत जो थी तो उसमें ये एक और स्टार उन्होंने ऐड किया कि लिटरेरी अपनी जर्नी में एक और बुक उन्होंने लिखी ही पिथी मतलब उनका जो ऑब्जर्वेशन था बहुत ही क्रिस्प ऑब्जर्वेशन था किस चीज को लेकर ड्राई ह्यूमर को लेकर कीन आई बहुत ज्यादा चीजों को जानने वाली आई एंड द एबिलिटी टू टेल मोर विद फ्यू वर्ड्स और उनमें एक काबिलियत थी रस्किन बॉन्ड में कि वो बहुत मतलब लेंदी चीजों को छोटी बातों में एक्सप्रेस कर पाते थे तो यहाँ पे पिथी वर्ड भी करेक्ट है और एंडीवर्स भी करेक्ट है क्लियर है तो दैट इज वाई फोर्थ ऑप्शन इज मेकिंग द बेस्ट आंसर चॉइस ठीक तो यहां पे देखो ये पूरा मॉक टेस्ट कंप्लीट हुआ थर्टी क्वेश्चंस अब हम लोग आते हैं अपने रिमेनिंग क्वेश्चन पे जो कि हमारा आरसी और पैरा जम्बल का है तो पहले हम लोग आरसी करेंगे और लास्ट में हम लोग पैरा जंबल करेंगे जम्बल पहले हम लोग आरसी करेंगे चलिए तो जल्दी से एक बार ध्यान से आरसी को देख लीजिए आप लोग ईजी है बहुत टफ नहीं है महात्मा गांधी की बात कर रहा है यहां पे देखो अब ये फिलर्स दिया हुआ इसको ध्यान रखिएगा ठीक है But the life of those millions of villagers, many of whom live well below the average standard of living is required to be, is required to be improved by dash. Abia dash mein kya hoga hai? by dash economic and social dash, so that they may wholeheartedly. पार्टिसिपेट इन द टास्क ऑफ नेशन बिल्डिंग ठीक है इसको ध्यान से जल्दी से गो थ्रू करिए और जब आप इसको गो थ्रू कर ले तो जल्दी से इसको डन कर दीजिएगा ठीक है ऑल राइट चलिए अगला पार्ट देखिए ये नेक्स्ट पार्ट है देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट ध्यान से पढ़ना ये देखो ये पी क्यू आर एस करके जो दिया हुआ है पॉपुलेशन कैन नो लॉन्गर बी इग्नोर्ड इन द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ द अर्बन एलाइट एंड दैट ऑफ रूरल द एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लेरिंग इन अकाउंट फॉर एटी परसेंट ऑफ द कंट्रीज एक यहाँ पे कह रहा है it is high time that vast indian administrative apparatus be rationalizing and reorienting to properly serve the toiling rural millions toiling rural millions which they truly deserve राइट अगला पार्ट देखिए क्या कह रहा है ये वाला पार्ट भी देखिए इसको भी जल्दी से डन करिएस इज द नेक्स्ट पार्ट गो थ्रू इट एंड पुडन यू आर डन विद पार्ट एज वेल

तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा है ठीक है अगर आपने पैराग्राफ को पूरा ध्यान से बहुत केयरफुली पढ़ा है तो अब देखो यहाँ पे रेंडरिंग का मतलब क्या होता है कॉजिंग किसी चीज को कॉज करना कॉजिंग या फिर टू गिव क्लियर सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है एग्जिस्टेंस ठीक है या फिर आप इसको कह सकते हो मेंटेनेंस अन का मतलब क्या होता है अनफॉर्चुनेट अन फॉर्चुनेट अशर का मतलब क्या होता है अशर का मतलब होता है किसी चीज को अनाउंस करना टॉरिड टॉरिड का मतलब क्या होता है टॉरिड का मतलब होता है कोई चीज जो कि बहुत गर्म हो हॉट हो टर्मैगिन टर्मैगिन का मतलब क्या होता है क्वेरल मतलब बहुत चिक चिक करने वाली औरत क्वेरल सम वोमेन विजिलेंट विजिलेंट का मतलब तो पता ही होगा डिफीट हरा देना किसी को ठीक है सॉरी मतलब होता है वही मैं कहूँ कुछ गड़बड़ है ये एक मिनट एक मिनट विजिलेंट का मतलब क्या होता है गाइज वट इज द वर्ड विजिलेंट मीन्स हाँ विजिलेंट का मतलब होता है वॉचफुल ना ऑब्जर्व करना किसी चीज को वैपिड का मतलब होता है डल या फिर जिसको आप बोलते हो बोरिंग वो चीज जो कि बोरिंग है अन अकिन का मतलब क्या होता है मिसचीवियस बदमाश जो स्ट्रीट बॉय होता है mischievous स्ट्रीट बॉय क्लियर है और vanquish का मतलब क्या होता है vanquish का मतलब होता है डिफीट करना हरा देना तो फिर क्या करेक्ट आंसर हो सकता है अब यहाँ पे रेंडरिंग और का बिल्कुल परफेक्ट सेंस दे रहा है। देखो तो पहले वाले में रेंडरिंग आएगा यहाँ पे आपका रेंडरिंग हो जाएगा और यहाँ पे सबसिस्टेंस हो जाएगा क्या कह रहा है यहाँ पे बट द लाइफ ऑफ दो मिलियंस ऑफ विलेजर लेकिन उन जो मिलियंस ऑफ जो गांव वाले थे उनकी जो जिंदगी थी मेनी ऑफ होम लिव जिनमें से बहुत सारे लोग जिंदा थे वेल बिलो द एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिलो एवरेज थी इज रिक्वायर्ड टू बी इम्प्रूव उसको इम्प्रूव किया जाना था बाई किसके द्वारा बाई रेंडरिंग रेंडर करके ना बाई कॉजिंग इकोनॉमिक एंड सोशल सोशल सबसिस्टेंस ना इकोनॉमिक और सोशल मेंटेनेंस की बात कर रहा है ताकि सो दैट दे में टास्क में पूरे दिल से पार्टिसिपेट करे। तो करेक्ट आंसर दे रहा है अगला कह रहा है वॉट वॉज द आउटकम ऑफ द फाइव ईयर प्लान सिंस इंडिपेंडेंस डे फाइव ईयर्स जो प्लानसंस इंडिपेंडेंस डे है उसका क्या आउटकम था क्या रिजल्ट था अब देखो सेकंड पैरा में इसका आंसर आपको सेकेंड पैरा में दिया गया है सेकेंड पैरा में देखिए कह रहा है सेवरल ईयर प्लान सिंस ऑगस्ट बात कह रहा है यहाँ पे हम दिखाते हैं सेवरल देखो आपको बोला जा रहा है सेवरल वाली लाइन ईयर सिंस द हिस्टोरिक इंडिपेंडेंस डे ऑगस्ट फिफ्टीन नाइनटीन फोर्टी सेवन बीन मेड मेड बट देर हैज बीन हार्डली एनी नोटिसेबल कंस्ट्रक्टिव अटेम्प्ट टू इंप्रूव द लिविंग कंडीशन ठीक है आगे क्या कह रहा है लिविंग कंडीशंस ऑफ दोज दोफॉर्चुनेट और टू एक्सटेंड सब्सटैशियल रिलीफ और टू बेनिफिट द मिलियन फोक्स इनहैबिटिंग इंडियन विलेजेस जो कि भारत के गांव में रह रहे हैं ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंग जो आंसर बनेगा यही वाला ना नो नोटिसेबल कंस्ट्रक्टिव दैट इज मेकिंग द करेक्ट सेंस अटेम्प्ट टू इंप्रूव लिविंग क्वालिटी को कभी भी नहीं किया गया है दैट इज द बेस्ट आंसर चॉइस अगला देखो क्या कह रहा है रीअरेंज द गाइलाइटेड सेंटेंस टू फॉर्म अ ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली मीनिंगफुल सेंटेंस अब यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को क्या करना है रीअरेंज करना है जिससे कि स्टेटमेंट एक कंप्लीट सेंस में आ जाए देखो से स्टार्ट कर सकते हैं अगर इसको आप आर से स्टार्ट करोगे द एस्पेक्ट ऑफ ग्लैरिंग इन इक्वालिटीज ग्लैरिंग इनक्वालिटीज का जो एक एस्पेक्ट है ये ठीक है तो आर से स्टार्ट करेंगे द एस्पेक्ट ऑफ ग्लैरिंग इन इक्वालिटीज वि

रूरल पीजेंट्स रूरल गाँव के जो लोग हैं अकाउंट फॉर एटी परसेंट ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन एस लास्ट में आएगा बात समझ आ रही है तो सॉरी आर क्यू फिर एस आएगा और फिर पी आएगा एक मिनट जस्ट अ मिनट यहाँ पे पी आएगा लास्ट में एक मिनट ये बनेगा कॉन्सेप्ट तो देखो क्या बनेगा क्या कह रहा है कह रहा है पहला स्टेटमेंट आर में द एस्पेक्ट ऑफ द्वेयरिंग इन इक्वालिटी अर्बन एलाइट ठीक है, है? Of of अर्बन के आ, मतलब शहर में रहने वाले जो अमीर लोग हैं उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या देखा गया है इनइक्वालिटी uh, देखी गई है किससे कंपेयर कर रहा है एंड दैट ऑफ द रूरल रूरल किस चीज की बात कर रहा है रूरल पीजेंट्स ठीक है रूरल पीजेंट जो कि अकाउंट करते हैं एटी परसेंट ऑफ द कंट्री अस्सी प्रतिशत कंट्री का क्या है पॉपुलेशन कैन नो लॉन्गर बी इग्नोर इसको इग्नोर किया नहीं जा सकता है तो आर क्यू एस पी इट मींस ऑप्शन सेकेंड इज मेकिंग द बेस्ट आंसर चॉइस ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली क्लियर बात समझ आ गई अगला क्वेश्चन देखें चलिए इसमें बताइए क्या आंसर हो सकता है वट इज दर रिफर टू बाई दाइटेड लाइन दैस का क्या मतलब है पैसेज में अब यहाँ पेरा भी बात आपको सेकेंड पैरा में बोली जा रही है सेकेंड पैरा में देखो कह रहे हैं द स्ट्राइकिंग रिच एंड दुअर रिच और पुअर के बीच में जो स्ट्राइकिंग गैप है उसकी बात कर रहा है क्लियर है बात समझ आ रही है uh, एक मिनट इट इज दिसन द स्ट्राइकिंग गैप ये वाली लाइन द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर इन इंडियन सोसाइटी कैन पर ओवर लुक एनी मोर और ज़्यादा हम इसको अनदेखा नहीं कर सकते द मोनोपोलिस्टिक ग्रोथ ऑफ अ स्मॉल सेक्शन हैज़ नेग्लेक्टेड द डाउन प्रॉड एंड मासेज ऑफ द सोसाइटी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी द डिग्री ऑफ इनइॉलिटी रिमेनिंग लॉन्ग बिटवीन द टू वेल डिफाइंड सेक्शंस दैव नॉट्स इज नीडेड टू बी रिड्यूज सून और इसको बहुत जल्दी हमें रिड्यूज करना है ठीक है तो अब यहाँ पे करेक्शेंस क्या बनेगा इसका तो करेक्टेंस बनेगा स्ट्राइकिंग गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर स्ट्राइकिंग गैप जो है अमीर और गरीब के बीच में भारत की सोसाइटी में यही बात बोली गई है ना इसको हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए अगला कह रहा है फाइंड आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर अब जिस सेंटेंस के इस सेंटेंस के जिस पार्ट में एरर है वो आपको करेक्ट आंसर बताना है क्या कह रहा है इट इज हाई टाइम दैट वास्ट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटिस बी रैशनलाइजिंग एंड रीओर टू प्रॉपरली सर्व मिलियंस विच दे ट्रू ट्रूली डिजर्व क्या हो सकता है देखो जब भी आपके सेंटेंस में इट इज हाई टाइम इस तरह से स्टेटमेंट आता है इट इज हाई टाइम क्लियर है फिर उसके बाद सेंटेंस में सब्जेक्ट लगता है फिर आपका पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है ठीक है मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट आता है तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है बात समझ लीजिए इसको इट इज हाई टाइम के साथ ये स्ट्रक्चर लगता है क्लियर है तो अब यहाँ पे टू uh, क्या सेंस होना चाहिए पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आना चाहिए इट इज हाई टाइम टू एक्सप्रेस दैट ठीक है समथिंग शुड बी डन होना चाहिए ना इट इज हाई टाइम टू एक्सप्रेस दैट वास्ट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव बी रैशनलाइजिंग

वॉट वेपन इज द ऑथर टॉकिंग अबाउट किस वेपन के बारे में ऑथर यहाँ पे बात कर रहा है तो अगर आपने सेकेंड लास्ट पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ा है तो यहाँ पे सेकेंड लास्ट पैरा में बोला जा रहा है द अंडर प्रिविलेज रूरल मासज है दिखाते हैं हम आपको पैसेज में अंडर प्रिविलज रूर ये द अंडर प्रिविलेज रूरल मास वेपन इन देयर पोजेशन टू सेव गार्ड देयर फंडामेंटल राइट एंड इंटरेस्ट दे कैन परफॉर्म अ पीसफुल रिवॉल्यूशन बाई इंडिकेटिंग देर ऑनेस्ट वर्ड इट इन द बैलेट बॉक्स ठीक है इस चीज की बात कर रहा है तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट सेंस कौन सा निकल रहा है तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट सेंस निकल रहा है दैट इज जिसके वो peaceful revolution कर लोग, करेक्ट आंसर तो सेकेंड होगा नहीं फर्स्ट होगा नहीं फोर्थ होगा नहीं फिफ्थ होगा नहीं ठीक अगला क्वेश्चन कह रहा है वॉट कुड बी द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज विद एन आई टू इसका क्या मतलब है विद एन आई टू तो एन आई टू का मतलब होता है किसी की क्या होना हैव एज वंस ऑब्जेक्टिव किसी चीज पर मतलब आपकी और आपको मतलब हैव एन आई टू किसी के ऊपर आपकी नजर होना मतलब आप उसको एज एन ऑब्जेक्टिव देख रहे हो कि हमारा ये उद्देश्य है डिसअप्रूव करना नहीं है गेन अटेंशन भी नहीं है बिकम ऑब्सेस्ड भी नहीं है विद एन एन इंटेंशन गोल और कंसिडरेशन ठीक है हमारा कोई इंटेंशन कोई गोल या कोई कंसिडरेशन होता है तो उसके लिए हम विद एन आई टू लगाते हैं क्लियर अगला देखो यहाँ पे पैरा जम्बल्स आ गया गाई इसको जल्दी से ध्यान से देखिए और इसमें बताइए कि कहाँ पे क्या सेंस करेक्ट होगा जल्दी से पैरा जंबल्स को गो थ्रू करिए और सीक्वेंस बनाकर मुझे बताइए चलिए पांच सेंटेंसेस हैं पैरा जंबल्स का क्वेश्चन है ये

टू मेक अ कोहेरेंट पैराग्राफ जिससे कि आपका पैराग्राफ क्या हो जाए कोहेरेंट हो जाए चलिए इसको देखकर बताइए कहाँ से ये स्टेटमेंट स्टार्ट होगा गाइस जल्दी से इसको देख कर बताएं। अब देखो हम इसको डी स्टेटमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं ना अगर आपने पूरा पैराग्राफ स्टेटमेंट छह सेंटेंसेस का पांच कह रही थी मैं मैं दे आर सिक्स सेंटेंसेस छह सेंटेंसेस दिए हुए हैं आपको यहाँ पे अब स्टार्ट कहां से करेंगे डी वाले से स्टार्ट करेंगे कह रहा है अरिस्टोटल दैट अरिस्टोटल ने ये बात सोची दैट द अर्थ वॉज अ स्टेशनरी की हमारी अर्थ पृथ्वी जो है वो रुकी हुई थी एंड द अदर सेलेस्टियल बॉडीज मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ और जो दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज है वो मूव कर रही थी सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड क्लियर हो गई बात तो डी से हम पैराग्राफ को स्टार्ट करेंगे जिससे ये एक मीनिंगफुल में आ जाएगा अब डी से कोरिलेशन किसका है तो एरिस्टोटल के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है इसका कोरिलेशन देखो एफ से है सेकेंड नंबर पे एफ आएगा कैरा एरिस्टोटल बिलीव दिस बिकॉज एरिस्टोटल को ऐसा लगा ऐसा उनको विश्वास था तो एरिस्टोटल को ऐसा थॉट हुआ कि जो अर्थ है वो रुकी हुई है स्टेशनरी है और जो दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज है, वो मूव की थी सर्कुलर ऑर्बिट्स में अर्थ के अराउंड अगला कह रहा है, अरिस्टोटल ने बिलीव किया था कि ये ऐसा इसलिए है क्योंकि उनको फील हुआ था मिस्टिकल रीजन्स का दैट द अर्थ वॉज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स कि जो अर्थ है वो यूनिवर्स का सेंटर है एंड और ये जो सर्कुलर मोशन है ये मोस्ट परफेक्ट है क्लियर है तो सेकेंड नंबर पे डी से एफ का कोरिलेशन है उसके बाद देखो एफ से सी का कोरिलेशन बनेगा ठीक है एफ से आपका सी का कोरिलेशन बनेगा थर्ड नंबर पे कह रहा दिस आइडिया ये जो आइडिया था एरेस्टोटल का इसको और ज्यादा इलेबोरेट मतलब एक्सटेंड किया गया था प्लॉटमी के द्वारा सेकेंड सेंचुरी एडी में इनटू अ कंप्लीट कॉस्मोलॉजिकल कंप्लीट कॉस्मोलॉजिकल मॉडल में इस पूरे आ, मतलब आइडिया को इलाबोरेट किया गया था डिटेल में बताया गया था विच सेट जिसके थ्रू ये बात सामने निकली कि जो अर्थ है सेंटर वो सेंटर पे है सराउंडेड है किसके द्वारा एट स्पेयर्स के द्वारा विच वर कौन कौन से स्पेयर थे मून सन स्टार्स एंड ब्रेस्ट वर्क और आप बचे हुए जो पांच प्लेनेट थे जो समय में जाने जाते थे।, थे बात समझ आ गई तो ये बात हम किसकी कर रहे हैं एरिस्टॉटल ने जो डिस्कवरी की थी उसकी बात हम कर रहे हैं बेसिक सा पैराग्राफ है सी से को रिलेशन बी का है देखो कह रहा है द प्लैनेट अब यहाँ पे प्लान की बात कर दी ना ये पांच प्लान उसके अलावा रिमेनिंग जो थे तो उसी प्लान की बात यहाँ पे हो रही है बी में इसीलिए आपका सी से बी का कोरिलेशन है कह रहा है द प्लैनेट देमसेल्व मूव ऑन सर्कुलर स्मॉलर सर्कुलर पार्ट तो ये जो प्लेनेट है ये अपने आप में छोटे सर्कुलर पार्ट्स में क्या करते हैं कर रहे थे मूव कर रहे थे विच बिलोंग टू देर रिस्पेक्टिव स्पीय को बिलोंग कर रहे थे इन इन ऑर्डर टू अकाउंट फॉर देयर द स्काई स्काई जिससे कि उनका sky में क्या बन सके पाथ बन सके क्लियर बात समझ आई डी एफ सी बी उसके बाद बी से correlation को रिलेशन देखो यहाँ पे ई e का है बी से को रिलेशन आपका ई e का है फिफ्थ नंबर पे कह रहा है द आउटर मोस्ट स्पियर जो आउटर मोस्ट मतलब जो बाहरी स्पियर था कैरी द सो कॉल्ड फिक्स स्टार आउटर स्पीयर में स्टे कर करता है किसका है ए का है लास्ट में ए आ जाएगा वॉट ले बियॉन्ड द लास्ट स्पियर ठीक है लास्ट स्पियर के बियोन्ड क्या ले करता है वॉज नेवर मेड वेरी क्लियर ये हमें कभी भी क्लियर नहीं हो पाया बट लेकिन ये सर्टेनली क्या था वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ मैनकाइंड ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ये मैनकाइंड के ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का पार्ट हिस्सा नहीं था तो डी एफ सी बी ई और ए लास्ट में आएगा ठीक है तो स्टेटमेंट बनेगा डी एफ सी बी ई एन ए डी एफ सी बी ई एन ए वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट तो अब यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस रीअरेंजमेंट के बाद कौन सा बनेगा बताइए भाई तो डी से स्टार्ट हुआ ना तो डी इज द करेक्ट आंसर अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट डी से एफ का correlation है तो एफ इज द करेक्ट आंसर अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है फोर्थ अगला क्या कह रहा है पेनल्टीमेट पेनल्टीमेट का मतलब होता है सेकेंड लास्ट ठीक है तो सेकेंड लास्ट सेंटेंस कौन सा होता है सेकेंड लास्ट है आपका ए ई, तो ई के बाद ए लास्ट में आएगा